थाना कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक पीड़ित महिला जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और यहां मैरिज होम संचालक पर नाले में कूड़ा डालने का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र दिया है। जिला मुख्यालय स्थित जिला अधिकारी कार्यालय पर मौजूद इस पीड़िता का नाम राधा देवी महंत हनुमानगढ़ शक्तिपीठ गढ़िया संसारपुर थाना कोतवाली है। पीड़ित महिला ने जिला अधिकारी कार्यालय पर एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें उसने बताया है कि पीड़ित महिला का मकान और मंदिर पास पास है। मंदिर से लगा हुआ निजी मैरिज होम सम गार्डन बना हुआ है, जिसमें शादी का कार्यक्रम होता है, तो उसमें एकत्र हुए कूड़े कचड़े को गार्डन के प्रबंधक और अन्य लोग पीड़ित महिला की रंजिश मानते हुए नाले में डालकर उसके घर के सामने से निकलवाने वाले नाले को बंद कर देते हैं, जिसमें उसे भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार उसने इस बात का विरोध किया तो उक्त लोगों ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिससे अब पीड़ित महिला को ही नहीं अन्य लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायती पत्र देने पहुंची पीड़ित महिला ने क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। तेज बोलना, क्या नाम आपका? राधा देवी। कहाँ रहती है? कड़िया मंदिर। थाना कौन सा लगता है? कोतवाली मैन। क्या मामला है? डीएम साहब को शिकायती पत्र दे रही है। हमारे घर का ये मामला है, डीएम आवास से ऊपर के जो नाला जाता है वो हमारे घर की तरफ निकलता है, वो बॉबी मिश्रा ने और बबलू मिश्रा ने मिलके बंद कर दिया है और उसका गंदा पानी सब हमारे घर में भरा हुआ है 30 तारीख से। अभी भरा है पानी? हाँ, अभी भरा है, 30 तारीख से भरा हुआ है और जो भी पानी बरसता है हमारे घर में ही जाता है। नगर पालिका में मैंने भी एप्लीकेशन एक दी, एक कोतवाल साहब को दे आए, एक SDM साहब को, एक DM साहब, सब जगह शिकायत कर चुके हैं, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नगर पालिका के चेयरमैन से मैंने 100 बार फ़ोन किया, तब शाम को GCP उन्होंने भेजी, सुबह से शाम तक उन्होंने खोदने नहीं दिया, नाला GCP को वापस कर दिया और कहा कि हमारे राम नरेश विधायक हैं तब तक हमारी चलेगी, हम नाला नहीं खोलने देंगे, हम यहीं जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो इसी में ही दाब देंगे, यहीं दब जाओगे तुम लोग, निकलोगे नहीं तो, और हमारे घर गिराना चाहते हैं और मंदिर गिराना चाहते हैं, मंदिर की पूजा पाठ करते हैं, मंदिर पे गढ़िया मंदिर पे रहते हैं बच्चों सहित, और घर में कोई जगह नहीं है इतनी कि जो लेटे बैठे या कोई खाना आना बनाए, आते हैं भक्त लोग वो खाना दे जाते हैं, वो हमारे बच्चे खाते हैं थोड़ा। अभी पानी वर्तमान में भरा है? हाँ, घर में भरा है वर्तमान में। अब क्या चाहते हैं डीएम साहब? हम ये चाहते हैं कि हमारा ये पानी निकल जाए, नाला खुल जाए, वहाँ ढोल पड़ जाए।